imagínate si no matar a mi hijo. Bonito. अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके सामने मसालेदार कॉर्न्स बनाने जा रही हूँ, जो कि हम सुबह को नाश्ते में भी ले सकते हैं और शाम में भी ले सकते हैं, क्योंकि बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। आप इसे देखिए और बनाइए। ये देखिए मैंने कॉर्न्स लिए हैं, ये ठीक है। इसमें क्या क्या रेसिपी पड़ेगी, ये देखिए मैंने इसमें मैदा लिया है, एक दो चम्मच मैदा ली है, और ये बेकिंग सोडा, ज़ीरा, नमक, और ये हल्दी एंड चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर, और ये नींबू लिया है। ओके, अब हम चलिए कॉर्न्स बनाने चलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। पहले हम इसके अंदर देखिए कुकर में हम कॉर्न्स डाल रहे हैं, आप चाहे तो कढ़ाई में भी उबाल सकते हैं, बट मैंने कुकर में उबाले हैं, ठीक है। इसमें मैं क्या क्या डालती हूँ, ये देखिए, ये मैंने इसमें सोडा डाला है और ये नमक डाला है ओनली, बस। आप सोडा और नमक डालकर इसको बॉईल कर लें, आप चाहें तो कढ़ाई में भी कर सकते हैं, बट मैं कुकर में कर रही हूँ। थोड़ा पानी डालकर हम बॉईल कर लेते हैं, कुकर में ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं, इसलिए मैं फास्ट काम कर रही हूँ। देखिए इसमें सिर्फ हम दो सीटी लगाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगाएंगे हम। ये देखिए ये मेरे कॉर्न बॉइल्ड हो गए हैं अच्छी तरह से, ये देखिए अच्छी तरह से ये बॉइल्ड हो गए हैं कुकर में, मैंने इसलिए बॉइल किए जल्दी की वजह से, ताकि जल्दी से बॉइल्ड हो जाए, कढ़ाई में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ये देखिए अब हम इसे अच्छे इसमें छान लेते हैं, ताकि ये इसका पानी निकल जाए। ये देखिए हमारे ये अच्छी तरह से बॉइल्ड हो गए हैं, अब हम इसे थोड़ा सा ठंडे पानी से मैं इसे वॉश कर देती हूँ अच्छी तरह से, बस ठंडे पानी से मैंने वॉश किया है, ठीक है। अभी देखिए बॉइल्ड हुए को हम इसमें डाल रहे हैं, अब इसमें थोड़ा सा मैदा मिक्स कर रही हूँ, ठीक है। ओके, अच्छी तरह से मैश हो जाए, मैंने इसमें ही मैदा लिया है, मैदा आप मिक्स कर लीजिए, चाहे तो कॉर्न आटा का है वो मिक्स कर लीजिए, बट वो मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं किया है। अब इसमें हम थोड़ा सा ज़ीरा डाल देते हैं, ठीक है। ज़ीरा डालने के बाद देखिए मेरा ज़ीरा हो रहा है, इसे हम स्लो फ्लेम पर करना है। अब मैं इसमें ये डाल रही हूँ कॉर्नफ्लेक्स डाल दिया है, मैंने इसमें नमक पहले से ही डाल दिया था, अगर आपको कम लगता है तो आप और डाल दीजिए। ये देखिए अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं, इसमें अब मैं ये हल्दी डालती हूँ और ये लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। अब मैं इसमें ये इसमें डाल दिया मैंने, बनाकर खाइए, बहुत ही मज़ेदार बनी है नाश्ते के लिए, घर में कॉर्न्स है तो बहुत ज़्यादा इजी है बनाना। देखिए अब मैं ये मसाले को मिक्स कर रही हूँ, अगर इसमें आपको नमक कम लगता है बॉईल करने में तो आप फ्राई करते में नमक और डाल दीजिए, ये देखो कितने टेस्टी बन रहे हैं। मिर्ची भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम खाते हैं कम डालिए, थोड़ा सा तीखा खाते हैं तीखा खाइए। ये देखिए मैं कितने अच्छे स्पाइसी कॉर्न बनकर रेडी हुए हैं, ये कॉर्न्स बनकर बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब ये देखिए कॉर्न्स बनकर बिल्कुल रेडी हो गए हैं, अब इसमें मैं ये नींबू डाल रही हूँ, ये देखिए नींबू डाल रही हूँ, आप चाहें तो अपनी प्लेट में निकाल कर भी डाल सकते हैं, मैंने इसलिए सब में डाला है ये कढ़ाई के अंदर, ताकि ये सभी में मिक्स हो जाएगा। आप एक से दो नींबू डाल दीजिए, मैंने तो एक ही डाला है इसके अंदर, ठीक है। और इसको मैच चला दीजिए, ये लीजिए फ्रेंड्स स्पाइसी कॉर्न्स बनकर रेडी हो गए हैं, ऊपर से आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं कट कर, मैंने तो नहीं डाला है।
ये स्पाइसी कॉर्न बनकर रेडी हो गए हैं। ये देखिए दोस्तों, मेरे स्पाइसी कॉर्न बनकर बिल्कुल रेडी हो गए हैं। आप इसे खाइए, आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब, कमेंट्स, लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा जो भी आपको खाना है, मैं बनाऊँगी और आप देखिएगा।